यहाँ पर इस टाइम में चाइना के अंदर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल बने हुए माना चाहते हैं, हॉस्टल्स बने हुए, और इस हॉस्टल में बेहतरीन काम ये हो कि तो बर्थ सिस्टम बनाया इन लोगों ने, जो कि बहुत अच्छा आप कह सकते हैं। इसमें आप लोग बहुत ही कम मकदार पैसों में आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैमिली का माहौल आपको मिलता है यहाँ। लॉन्ड्री का निज़ाम प्रॉपर है, किचन है, आप खुद बना सकते हैं। सही जिसे कहते हैं ना, बाहर मुल्क भी जाके आप हॉस्टल का जो मज़ा होगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आपको एक दफ़ा ना इसका हॉस्टल भी दिखाता हूँ। चलो जी, ये हम लोग इंटर हो गए हॉस्टल के अंदर। आप इंटर होते ही यहाँ पर इन लोगों ने ना एक तो अपना अली पे वो विशिंग, इसके ज़रिए आप पे करेंगे, पैसे पे करना होता है, और ये इनका रिसेप्शन है मस्जिद के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल होता है चाइना के अंदर। फिर इनके शूज़ यहाँ पर इसलिए पड़े कि शूज़ अभी हमें भी उतार के ही अंदर जाना पड़ेगा। शूज़ उतारते हैं और यहाँ पर स्पेशल ये लोग स्लीपर्स रखते हैं, वो स्लीपर्स पहन के ही अंदर हमें जाना पड़ेगा। रिसेप्शन पे अपना एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद पेमेंट करेंगे, फिर हम जाएंगे अंदर। ये पहला इंटर होते ही आपको यहाँ देख सकते हैं कि फ्रिज लगा हुआ है, जहाँ पर आप कोई सा भी ड्रिंक यहाँ से ले सकते हैं, कोई हो ना हो कोई फिक्र नहीं है। फिर आपने विशिंग के थ्रू या अली पे के थ्रू अपने पे करना होता है। फिर आप यहाँ पर आते हैं तो इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं हॉस्टल के अंदर बड़ा माहौल है। यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ बैठ सकते हैं। ये कुछ चाइनीज़ दोस्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर यहाँ पर खाना आप खा सकते हैं। खाना भी किस तरह से खाएंगे जब हॉस्टल में, कौन बनाएगा, सवाल तो ये है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अंदर जो है इनका किचन है, मैं दिखाता हूँ इसकी लाइट्स कहाँ पर है। ये इनके लाइट्स है जी, हमने किचन ऑन करा लाइट, और ये आपको फ्रिज जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, फ्रूट के बड़े वैरायटी इनके पास है। फिर यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ बैठ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इन लोगों ने सेटअप बनाया हुआ। फिर हम लोग आपको लेके जाते हैं अंदर। ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, दो वॉशरूम्स बने हुए और साथ में आप शावर भी ले सकते हैं, सब कुछ अंदर पड़ा हुआ होता है, आप आराम से साफ सुथरा, बड़ा बेहतरीन इन लोगों का सेटअप है। फिर यहाँ पर आ सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर यहाँ कूलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ बर्थ्स बनाए हुए हैं। ये आप ये बर्थ्स देख सकते हैं, एक इधर है, दूसरा ऊपर है, तीसरा ऊपर है, तीन ये बर्थ्स बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड पे आएंगे तो यहाँ पर भी ही ऐसा निज़ाम है, यहाँ दो साइड पे बर्थ यहाँ पर बने हुए हैं, फिर दो यहाँ बने हुए हैं, फिर तीन ऊपर है। यहाँ इस हॉस्टल की खूबसूरती है क्या बेहतरीन कि आप यहाँ पर आके आराम से अपना जो है टाइम गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल में आप कह सकते हैं, साफ माहौल में अपना यहाँ पर ना वक्त गुजार सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इनका सेटअप है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा ऊपर का ना नज़ारा कराता हूँ, फिर आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला पोर्शन है स्पेशली मेरे ख्याल में फीमेल्स के लिए, अगर कोई फीमेल भी यहाँ पर रहना चाहे वो रह सकती है, ऊपर वाला पोर्शन है। मैं एक दफ़ा ऊपर वाला पोर्शन पे भी आपको लेके जाता हूँ। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे सीढ़ियों से होते हुए सीधा ऊपर, फिर वहाँ से एक शॉट हमने एक क्लिप लेना है, वो लेके फिर हम लोग वापस जल्दी नीचे उतरेंगे। यहाँ पर इनकी बैठने की जगह है, यहाँ बैठ सकते हैं इन लोग। फिर आराम से इनका रूम्स तो मैं नहीं दिखा सकता, ये जिस तरह से नीचे सेटअप बना हुआ है इसी तरह से ऊपर भी इनका सेटअप बना हुआ है। और यहाँ से जो इनका पोर्शन है, यहाँ से होते हुए ये आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये हॉस्टल का ऊपर छत, फिर ये इनकी ज्वेलरीज पोर्शन ऊपर इन लोगों ने बनाया हुआ, फिर ये साथ में आपका नीचे का पोर्शन का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी ऊपर से हम लोग नीचे वापस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया प्रॉपर सिस्टम, जिस तरह से ये बर्थ नीचे है, वॉशरूम इसी तरह से सेटअप ऊपर भी है, लेकिन ऊपर आपको एक ग्राउंड करवाने का मकसद ये था कि ऊपर वाला पोर्शन जो है स्पेशली इन लोगों ने रखा है ख़वातीन के लिए, जो लेडीज़ होंगी वो ऊपर जाके ही आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकती हैं, यहाँ रह सकती हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन हॉस्टल है, और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप के साथ इस हॉस्टल को बनाया गया है, और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी मौजूद है। ये मैं कुछ कॉस्ट्यूम दिखाऊंगा, ये कॉस्ट्यूम जो है सेल आउट के लिए, आप सेल भी करते हैं, प्लस इनको ना आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप इनको पहन के आप जो है ना यहाँ पर ज़बरदस्त फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पेशल इनके रैक्स बने हुए हैं, और इस तरफ ये जो सामने ये है जी अपना वॉशिंग एरिया, जहाँ पर आप अपना कपड़े भी धो सकते हैं। फिर इनके पुराने तस्वीरें इसलिए लगाई इन लोगों ने कि जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं तो इनकी पुरानी यादें यहाँ पर रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, हॉस्टल विजिट हमने कराया। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, बहुत ही खूबसूरत इन लोगों का सेटअप है।
व्लॉग पसंद आए तो देर ना करें। और रेट के हवाले से एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर रेट है ये दे रहे हैं प्राइस बहुत मुनासिब प्राइस में आपको ये रूम देंगे। जैसे कह सकते हैं कि आपको शेयर करना होता है, मुख्तलिफ बर्थ्स बनाए हुए वहाँ पर जाके अपना रूम शेयर कर सकते हैं। और क्या ही खूबसूरत इन लोगों ने सेटअप बनाया, मैं तो कहता हूँ भाई कमाल है इस तरह का सेटअप और बड़ा साफ़ सुथरा सेटअप है। लोग पसंद है, देर ना करें, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा, साथ ही साथ में थम्स अप और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी।